बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने जदयू के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जदयू का जो कार्यक्रम हुआ उससे सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि अब जदयू दो फाड़ में बढ़ चुकी है। जदयू एक कार्यक्रम करती है उसमें ललन सिंह की तस्वीर नहीं होती और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी होती है। नीतीश कुमार के खिलाफ जो नारेबाजी लगी है उसकी क्लिपिंग पूरे बिहार ने देखा है। दो अलग अलग विषय हैं। सर्वप्रथम जो जदयू का कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में जो सबसे बड़ी बात उभर के आई कि जदयू अब पूरी तरह दो फाड़ में बढ़ चुकी है। जदयू एक कार्यक्रम करती है जिसमें नीतीश कुमार जी मंच पे होते हैं और ललन सिंह जी का ना फोटो लगता है, ना चर्चा होती है, ना उनको कोई सम्मान या स्थान। जदयू में क्या हो रहा है ये तो इसका पोल खोल हो गया। और ऊपर से उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी मंच पे होते हुए नीतीश कुमार जी के खिलाफ नारे लगे और उसके क्लिपिंग पूरे बिहार ने देखा है। तो नीतीश कुमार जी क्या कार्यक्रम और क्या उनका जो है सपोर्ट बेस वो हम सब देख रहे हैं। बची बात राजद के पोस्टर की, तो मुझे लगता है कि राजद को समाजवाद के बारे में अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर और परिवारवाद का नंगा नाच करते हैं उनको इस विषय पे टिप्पणी नहीं। भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो नारेबाजी हुई है इससे ये पता चलता है कि लोगों में उनके खिलाफ कितना आक्रोश है। महागठबंधन में आपसी द्वेष फैला हुआ है। राजद और जेडीयू एक दूसरे को नीचा दिखाने में और छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। पहले तो जो खिलाफ में नारेबाजी हुई इस बात को इंगित करता है कि लोगों में कितना आक्रोश है। अब विकास के काम इतने लंबे समय तक नहीं हो सके, लोगों का जीवन स्तर सही तरीके से नहीं ऊपर उठ सका, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, इतना इंतजार करेंगे, इसलिए जो ऐसे खिलाफ में नारेबाजी भी कर रहे थे। सबसे पहले तो जो खिलाफ में नारेबाजी हुई। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी में कोई तनातनी नहीं है। जेडीयू एक अलग पार्टी है और राजद एक अलग पार्टी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अलग संविधान है और उनके अलग संविधान है। स्वाभाविक है कि हर पार्टी का नेता कार्यकर्ता अपने नेताओं को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए राजद ने एक पोस्टर अपना पोस्टर लगाया है। किसी तरह का कोई तनातनी का माहौल नहीं, इसको देखने का नजरिया अलग। राष्ट्रीय जनता दल एक अलग पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक अलग पार्टी, हमारे कुछ अलग संविधान है, उनके कुछ अलग है, अपना उसूल है। दोनों पार्टियों का बिहार में गठबंधन है और महागठबंधन के अंतर्गत जितने भी घटक दल हैं लगभग सभी दलों के अपने अपने सोच हैं। तो स्वाभाविक है जिस दल के नेता कार्यकर्ता अपने बड़े नेता के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, उनके प्रति जो है तरह तरह का जो है आशा भी रखते हैं कि हमारा नेता कितना ऊंचा होता पर भी जाए और अपनी अपनी सोच को अपना वो लाते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन जो ज्वाइंट प्रोग्राम है उसमें किसी तरह का कोई मतभेद और विभेद नहीं। आज के पहले का देखिए, इसको उस स्तर पर ले जाकर देखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि सभी दल अलग अलग हैं और अपने अपने दल के कार्यक्रम करते रहते हैं, चलता रहता है। लेकिन जब हमारा ज्वाइंट प्रोग्राम बनता है, ज्वाइंट कोई कार्यक्रम है, उसमें कहीं कोई राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राजद और जदयू में तनातनी का माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घबराहट है, बेचैनी है और बेचैनी इस बात के लिए है क्योंकि जनता और जनता के बीच में समर्थन महागठबंधन के लिए दिख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत संवैधानिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तार तार किया जा रहा है और इसी को बचाने के लिए संसद का कार्यक्रम किया गया था। ये सिगुफेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घबराहट है, बेचैनी है। बेचैनी इस बात के लिए है कि जनता और जनता के बीच जो समर्थन है वो महागठबंधन के प्रति दिख रहा है। कल आप देखे होंगे यूसुफ मेहर अली जी का सम्मान में यहाँ पर परिचर्चा आयोजित की गई और जिस तरह से भारत के संवैधानिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तार तार किया जा रहा है उसको बचाने के लिए एक तरफ भीम संसद, दूसरे तरफ यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा जो योगदान दिए गए हैं देश की आजादी में उस पर परिचर्चा, यह स्पष्ट करता है कि महागठबंधन पूरे विचारों के साथ आगे बढ़ रही है और जो समाजवादी दृष्टिकोण है वो स्पष्टता दिख रहा है।